feel gratitude and the meditation. तो धीरे धीरे सब लोग जहां पर भी हो, जो भी लोग मेरे साथ हैं, स्टार्ट टेकिंग अ पोस्चर. एक किसी भी रिलैक्स पोस्चर में आराम से बैठ जाओ. अच्छा होगा कि कमर सीधी रहे, अगर नहीं हो सकती, इफ यू डोंट फील दैट योर स्ट्रेट बैक कैन नॉट गो वेरी वेल विद यू, देन यू कैन सिट विद सम काइंड ऑफ अ वॉल और सम काइंड ऑफ अ चेयर दैट कैन गिव यू सपोर्ट. तो ऐसी कोई जगह पर बहुत आराम से, बहुत प्यार से बैठ जाओ, जहां पर अगले 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल शांति से तुम बैठ सको. और अब ये समय है मेडिटेशन में बैठने का, थोड़ा सा अपने अंदर होके बैठने का, थोड़ा सा शांत होकर बैठने का और अपने से कनेक्ट करने का. तो आज का जो मेडिटेशन है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार. एक्सेप्टेंस, स्वीकार. धीरे धीरे जहां पर भी आपको जगह मिले वहां पर बस आंख बंद करके बैठ जाइए और मेरी आवाज के साथ मुझे अलाउ करिए कि मैं आपसे ही मिला पाऊं. मुझे इस अवसर को मौका दीजिए कि मैं आपसे मिला पाऊं, मैं आपको आप ही से महसूस करा पाऊं. ध्यान का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि जब मैं शांत होके बैठ जाऊं तो जितनी भी मैंने बाहर की तरफ दौड़ कर रखी है, जितनी भी मैंने ऊर्जा बाहर के जीवन में दे रखी है, बाहर के तरफ दे रखी है, विचारों में मैं इधर उधर भाग रहा हूँ, मैं इधर उधर दौड़ रहा हूँ, कभी ये सोच रहा हूँ, कभी वो सोच रहा हूँ, वो सारी की सारी ऊर्जा को बाहर से भीतर की तरफ ले आऊँ, वो सारी की सारी ऊर्जा को अपनी तरफ ले आऊँ, वो सारी की सारी ऊर्जा को, वो सारी की सारी चेतना को स्वयं पर वापस. So just धीरे धीरे breathe in, अपने से महसूस करो, अपने से कहो कि मैंने बहुत दौड़ लगा ली, मैंने बहुत भागा धापी कर ली, मैं इधर भाग रहा हूँ, मैं उधर भाग रहा हूँ, मैं विचारों में ही दौड़ता रहता हूँ, विचारों की दुनिया में खोया हुआ हूँ, बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है जो मैंने अपने साथ लिया हुआ है. इस समय कुछ देर के लिए मैं अपने शरीर से और अपने मन से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनफ इज इनफ, प्लीज कम बैक टू माई सेल्फ, बहुत हो चुका, अब मेरे ऊपर वापस आ जाओ, अब मेरे शरीर पर वापस आ जाओ. मैं अपने मन से कह रहा हूं कि अब बाहर की तरफ मत दौड़ो, ये 30 मिनट के लिए अब वापस आ जाओ. और धीरे धीरे इस भाव के साथ महसूस करो कि सारी ऊर्जा, सारी चेतना जो बाहर के जगत में दी हुई थी वो धीरे धीरे स्वयं की तरफ वापस आ रही है. और धीरे धीरे कुछ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. जब आप ब्रीथ इन करो तो गहरी सांस लो और जब ब्रीथ आउट करो तो मुंह से सांस छोड़ो. एक हर ब्रेथ इन के साथ अपने शरीर पर वापस आ जाओ, अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को जो बाहर के जगत में दी है उसे अपने शरीर पर, अपने ऊपर वापस ले आओ. कहने का तात्पर्य है कि जो भी तुम्हारा मन जहां भी भाग रहा है, जिन भी विचारों में महसूस करो कि वो बाहर की जगह भीतर आ रहा है, सारी चेतना वापस आ रही है.
महसूस करो कि सारी ऊर्जा वापस आ गई है और धीरे धीरे तुम देखोगे, महसूस करो कि सारी ऊर्जा वापस आ गई और धीरे धीरे तुम देखोगे कि शरीर शांत हो रहा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि शरीर शांत हो रहा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि सब कुछ शांत हो रहा है। तुम्हारा शरीर भी शांत हो रहा है, तुम्हारे विचार भी शांत हो रहे हैं और तुम भी शांत। और याद रखना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम सांस भी नहीं हो, तुम वो हो जो आदेश दे रहे हो शरीर को, जो महसूस कर रहे हो कि शरीर शांत हो। तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो आदेश दे रहे हो मन को और महसूस कर रहे हो कि मन और विचार शांत। तुम सांस भी नहीं हो, तुम वो हो जो महसूस कर रहे हो कि सांस शांत। धीरे धीरे सब ठहर जाएगा, सब कुछ मौन में आ जाएगा, कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाए, शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाए, अलाउ करें कि सब शांत हो जाए। महसूस करें कि मुझे सब स्वीकार है, मैं वापस आ गया हूँ अपने पास। ऊर्जा जो मैंने बाहर के जगत में दी थी, वो मेरी ऊर्जा बाहर से भीतर आ गई है। अब बस अब जो भी है, जैसी भी लाइफ है, मुझे स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, मुझे सब। जितनी भी लड़ाई है, जितनी भी परेशानी है, जितनी भी विचारों का आपात रूपी है, जितना भी स्ट्रेस है, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इस बात की है कि मुझे स्वीकार नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मैं फाइट करना चाहता। एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही सिर्फ इतना है कि आज मैं राजी हूं, मैं स्वीकार ही कर लेता हूं कि जैसा जीवन है, जैसा मैं हूं, जैसी परिस्थितियां हैं, मैं सिंपली आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, सिंपली आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, आई एग्री विद एवरीथिंग, आई लीव ऑल द फाइट एंड आई डिसाइड टू लिव विद अ सो मच peaceful agreement with the life, with so much peaceful acceptance with the life. तो इसी भाव के साथ, इसी feeling के साथ, just start accepting that yes, I accept everything. Yes, I accept. I accept.
हाँ मैं सब स्वीकार करता हूँ, हाँ मैं सब स्वीकार करता हूँ। अब महसूस करो कि मैं एक वृक्ष से गिरे पत्ते की भांति, जिसकी अपनी तो कोई मर्जी ही नहीं। वृक्ष परमात्मा है, वृक्ष ये एक्सिस्टेंस है, और मेरी औकात, मेरी हैसियत केवल एक पत्ते की बात है। वृक्ष पे तो लाखों अरबों पत्ते हैं, क्या वो वृक्ष से हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई करेंगे? क्या वो वृक्ष से हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाएंगे? क्या वो वृक्ष से हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाएंगे? मैं तो सिर्फ एक पत्ते की भांति हूँ, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरी हैसियत है, मैं इसे स्वीकार करूँ। I accept everything and I accept that I'm just a leaf of this wider existence, just a leaf. मैं एक वृक्ष से गिरे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है। जो है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जो है उसे प्रेम से अनुग्रहित करता हूँ, जो है उसके प्रति धन्यवाद से भरता हूँ। क्योंकि अगर मेरी जीवन सिर्फ एक पत्ते की भांति है और ये लाइफ, ये एग्जिस्टेंस एक बड़े वृक्ष की भांति है जिसपे अरबों खरबों पत्ते लगे हुए हैं, तो नाराज की तो कुछ बची ही नहीं। मैं तो एक पत्ते की भांति हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ जो भी एग्जिस्टेंस देगा, मैं उसके प्रति अनुग्रह से, प्रेम से, ग्रेटिट्यूड से भरा। धीरे धीरे महसूस करो कि हवा चल रही है और तुम पत्ते की भांति बिना लड़ाई करे जहां हवा ले जा रही है वहां जा रहे हो, उड़ रहे हो। हवा ले जा रही है तो पत्ता उड़ रहा है, कभी सीधा कभी उल्टा, कभी इधर कभी उधर, बस आनंद। जब कुछ लड़ाई बची ही नहीं, जब सब कुछ स्वीकार है, तो फिर तो केवल आनंद है ना। जीवन जहां ले जा रहा है मैं तो राजी हूँ, जहां लेके जा रहे हो प्रभु ले चलो। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, इस प्रकृति, इस एग्जिस्टेंस, आप जहां लेके जा रहे हो मुझे लेते ही चले जाओ। मैं राजी हूँ, मैं स्वीकार कर लेता हूँ और मैं बस आपके साथ उड़ रहा हूँ, महसूस कर। महसूस करो ये एग्जिस्टेंस, ये हवा तुम्हें ले जा रही है और बस तुम बिना किसी लड़ाई के इस हवा के साथ बहते ही जा रहे हो, बहते ही जा रहे हो, बहते ही जा रहे हो, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी परेशानी के, तुम इस हवा के साथ बहते जा रहे हो। चारों तरफ से नेचर की आवाजें आ रही है, इतना सुंदर नेचर है, प्रकृति की आवाजें चारों तरफ से आ रही। महसूस करो इन आवाजों को और महसूस करो कि एक पत्ते की भांति जो जिसे सब कुछ स्वीकार है वो इस जीवन की हवाओं में उड़ रहा है, आनंदित इवन हवाओं पे तैर रहा है। जैसे जब सागर में लहरें आए तो एक तरीका है कि मैं सागर से लड़ने के लिए तैयार रहूं,
और टकराने के लिए तैयार हो। और दूसरा तरीका है कि मैं लड़ाई छोड़ दूं और वेव पर सवार हो जाऊं और वेव के साथ जहां वेव ले जाए बिना लड़ाई के सब स्वीकार करते हुए वेव्स पे सवार हो जाऊं और सवारी कर आनंदित हो जाऊं। इसी तरीके से महसूस करूं कि मैं एक पत्ते की भांति परमात्मा की हवाओं में, इस एग्जिस्टेंस की हवाओं में जो भी परिस्थितियां हैं मैं उनसे राजी हूं और अब मैं उन पे सवारी कर रहा हूं, मैं अब उनको ड्राइव कर रहा हूं, मैं अब एंजॉय कर रहा हूं और बस उड़ता ही जा रहा हूं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अपूर्व शांति हृदय में प्रस्थान करे। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि इतना ग्रेटिट्यूड और आनंद आ रहा है कि जिसकी तो कोई सीमा ही नहीं, क्योंकि मैं तो राजी हो गया। सारी आपाधाओ परेशानियां प्रॉब्लम समाप्त हो गई। जब मैं राजी ही हो गया तो अब खाएगी परेशानी, और जब परेशानी नहीं है तो महसूस ही हो रहा है कि आनंद है और मैं इस आनंद को एंजॉय कर रहा हूँ और जहाँ हवाएं ले जा रही हैं उसके साथ बहता ही जा रहा हूँ, बहता ही जा रहा हूँ, बहता ही जा रहा हूँ। ढेर सारा स्वीकार भाव तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे शरीर में समाता चला जाएगा। इस अभूतपूर्व शांति को, आनंद को, स्वीकार भाव को डाइजेस्ट कर कुछ और से इस आनंद में आनंद ही तुम्हारा स्वभाव है, ये आनंद ही तुम्हारा स्वरूप है, यह शांति ही तुम्हारा नेचर है। और आज का मेरा यही मैसेज है कि आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, आई सिंपली लव एवरीथिंग एंड नाउ जस्ट स्टार्ट फीलिंग सो मच ग्रेटिट्यूड। बिकॉज जब मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं वृक्ष किसे गिरे हुए पत्ते के समान हूँ और मैंने सब स्वीकार कर लिया है, तो अब परमात्मा ने जो भी दिया है उसके प्रति धन्यवाद का भाव। इतना सुंदर शरीर दिया है, दो आंखें दी हैं, नाक दिए है, मुंह दिए है, दो हाथे दिए हैं, दो टांग दिए हैं, जो कि चल फल रही हैं, जो कि स्वस्थ हैं, इस शरीर के प्रति। इतने सुंदर माता पिता दिए हैं जो कि अभूतपूर्व प्रेम करते हैं, जो कि अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, बेचारे कभी कुछ मांगते नहीं, सिर्फ दिए चले जा रहे हैं, उनके प्रति भाई बहनों के प्रति, पत्नी और पति के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, इस संपूर्ण जगत के प्रति। सूरज आता है, रोशनी देता है, चला जाता है बिना कुछ मांगे। मैं आँख खोलता हूँ, परमात्मा की हवा आती है, मेरे शरीर को छूती है, सांसें प्रदान करती है, चली जाती है। मैं आँख खोल के देखता हूँ, नेचर मेरे साथ नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है। इतना
इतना कुछ तो दिया है, मैं फिर भी क्यों भिखारी बना हुआ हूँ। ये तो समय है राजा होने का। राजा का अर्थ है जो अपने को पहचाने, अपने को समझे। इसी भाव के साथ धीरे धीरे इस राजा वाले एटीट्यूड के साथ, विद इस मंत्रा के साथ कि आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, इस अनुभव के साथ कि जब मैं सब एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो कितनी पीस है, कितना शांति है, कितनी जॉय और हैप्पीनेस है। धीरे धीरे तीन गहरी सांस, हर गहरी सांस के साथ किंग की भांति वापस आए, सिर्फ एक विचार के साथ, I simply gratitude about everything and I simply accept everything। मैं सभी के प्रति अनुग्रह और धन्यवाद के भाव से भरता हूँ और मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। रब कर आंखों पर लगाकर, चेहरे पर लगाकर इस एनर्जी के बाद इस धन्यवाद के भाव से वापस आए कि आई सिंपली लव एवरीथिंग एंड आई सिंपली एक्सेप्ट एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन फॉर टुडे। सो जिन भी लोगों ने आज मेरे साथ ध्यान करा, मुझे मौका दिया कि आप सबको ध्यान में गहरे लेके जाने का, और एक सिंपल मंत्रा टू एंजॉय दिस लाइफ इज आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, कि मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। ये मंत्रा आज मैंने आपके साथ शेयर करा, दैट्स द मंत्रा टू मूव ऑन, टू जस्ट सिंपली एक्सेप्ट एवरीथिंग। सिंपली आई एक्सेप्ट, I'm just like a leaf from the big existence and whatever happened, I accept everything. And when I'm ready to go into the flow of the life, then you simply feel enjoy. Kyunki yehi satya hai, jeevan bahut khoobsurat hai, bahut pyara hai, Parmatma हर समय आनंद को दे रहा है, ग्रेसफुल लाइफ है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी लड़ाई जो है ना वो परमानेंट चल रही है, मैं राजी ही नहीं होता। जब सब कुछ खुला होता है तब भी राजी नहीं था, अब सब कुछ बंद है तब भी राजी नहीं है। तो ध्यान का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि मैं अब राजी हूँ, मैं स्वीकार ही कर लेता हूँ कि भैया तू महान, तू परमात्मा एग्जिस्टेंस, तू मेरे से बड़ा है, तुझे मेरे बारे में मेरे से ज्यादा पता है, और जहां लेके जाएगी लाइफ मैं उसके साथ बहने को, उसके साथ चलने को सिंपली तैयार हूँ। आई सिंपली लव एवरीथिंग, आई सिंपली एक्सेप्ट एवरीथिंग। सो इसी अनुभव के साथ आज के इस लाइव मेडिटेशन जर्नी को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे सुना, जितने भी लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं उन्हें ध्यान में गहरे लेके जाऊं, उन सभी के लिए धन्यवाद। सिंपली लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में, मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि ये लाइव गाइडेड मेडिटेशन वर्जन आपके लिए कैसा रहा। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से कनेक्ट रहिए और जुड़ते रहिएगा।